दुमका पुलिस ने इन लुटेरों के पास से एक लूटी गई कार भी बरामद की है। इन लुटेरों की तलाश में तीन राज्यों की पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस को अब गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश है। मामला दुमका के हसडीहा थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कहा कि बीते 18 जुलाई को पश्चिम बंगाल के सिवड़ी बस स्टैंड में तीन अजनबी लोगों ने बिहार के भागलपुर जाने के लिए एक हुंडई कार किराए पर ली और उसी दिन शाम में तीनों अजनबी भागलपुर के लिए निकल गए। तीनों अजनबी दरअसल लुटेरे थे। उसी रात हंसडीहा थाना क्षेत्र के दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर एक पुल के पास तीनों अपराधियों ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। एसपी अंबर लकड़ा ने कहा कि कार के रुकते ही अपराधियों ने ड्राइवर को मारपीट कर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और ड्राइवर को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। इस दौरान तीनों अपराधियों ने ड्राइवर का मोबाइल फोन, 1000 रुपए सहित अन्य जरूरी कागजात छीन लिए और फिर झारखंड मोड़ से आगे ड्राइवर को एक जंगल में फेंक दिया और कार लूट कर फरार हो गए। एसपी ने कहा कि होश आने के बाद पीड़ित ड्राइवर हसडीहा थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद डीएसपी विजय कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई। बंगाल और झारखंड से बिहार तक लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तीनों राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल बनाकर मामले की जांच के दौरान एक अपराधी मोहम्मद जियाउल का नाम सामने आया। पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद जियाउल को भागलपुर के सनौला गांव से गिरफ्तार किया। लुटेरे मोहम्मद जियाउल की निशानदेही पर दूसरे अपराधी सोनू कुमार को बिहार के पीरपैंती गांव से गिरफ्तार किया गया और सोनू के पास से ही लूटी गई कार भी बरामद कर ली गई। एसपी अंबर लकड़ा ने कहा कि अपराधी मोहम्मद जियाउल और सोनू का अपराधी की इतिहास भी रहा है। इस पूरे गिरोह को बेनकाब करने और इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास में जुटी हुई है और जल्द ही कामयाबी मिलने की उम्मीद है। दुमका से ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। ये एक कार की लूट को अंजाम दिए थे करीब 15 दिन पहले और उसकी तहकीकात में हसडीहा पुलिस और साथ में हेडक्वार्टर डीएसपी की एक टीम बनी गई और टीम के द्वारा जो है तीन लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें फुटेज में भी कुछ लगा, जहां सीसीटीवी में भी आया कि ये तीन लोगों को चिन्हित किया गया और ये बंगाल से एक टैक्सी को हायर किए थे, हुंडई कार को, और हायर करने के बाद में उसको नशा खिला करके वो अलग से उसको कहीं रास्ता में फेंक दिया गया था और तीनों अपराधी बिहार से उनका तार जुड़ा हुआ है और दो अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं और जो गाड़ी हुंडई कार जो उन्होंने लूटा था वो भी बरामद कर लिया गया है और आगे आने वाला टाइम में इस संबंध में प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जो पुलिस दुमका पुलिस भी कार्रवाई करेगी, जिसके तहत जो आगे इस तरह के वारदात जो होते हैं टैक्सी स्टैंड्स और बस स्टैंड्स में स्पेशल निर्देश दे करके इसको निरोधात्मक कार्रवाई हेतु जो है कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में इसमें चूंकि ये कारित हुआ था बंगाल में और गाड़ी भी बंगाल नंबर का है और बंगाल के मालिक भी बंगाल के ही है गाड़ी के, तो वहां से भी हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ और वहां से आवश्यक सहयोग मिला और साथ साथ जो क्रियावादी हैं जो बंगाल जो बिहार के हैं एक्चुअली, तो बिहार में जो वहां भागलपुर पुलिस है और बांका पुलिस है और सीनियर ऑफिसर्स का अच्छा योगदान इसमें रहा है और तीनों जो स्टेट्स हैं उसके पुलिस की टीम जो है कि इस वारदात को जो है तहकीकात करते हुए अपराधियों को पकड़ने में ये सफल हुए हैं और हम दोनों पुलिस दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।